हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए जो साइंस का सिलेबस कर रहे हैं उसमें ये अपना पार्ट नंबर 36 वीडियो है। और दोस्तों, आज हम करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, आपके धारा जनित्र होता है वो क्या होता है। धारा जनित्र जो दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और अदिष्ट धारा जनित्र, दोनों की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, कैसे दोनों काम करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंट होता है। पूरा यहां पर हम आपको जो एनसीईआरटी में अपना पूरा सब कुछ दिया गया है सिलेबस, उसको यहां पर कवर अप करूंगा। पूरी कार्य प्रणाली कैसे वर्क करता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने ऑलरेडी 35 क्लासेस डाल रखी हैं, उनको आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आपके कॉमेंट आते हैं कि सर शुरू से आपकी क्लास देखनी है, तो कहां से देखें, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां आपको साइंस कंप्लीट सिलेबस नाम को एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर हमने जो पहले के वीडियो है 35 वो यहां पर डाल चुके हैं। और इसके अलावा रेलवे भर्ती परीक्षा जो ग्रुप डी 2018 हुई थी उसमें शिफ्ट वाइज 117 शिफ्टों का वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है। बाकी के जो भी शिफ्ट हैं, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा उनको मैं आपके सॉल्यूशन कराता जाऊंगा, तो उनको भी आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए होता क्या है, इसको समझने से पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि परिनलिका होती क्या है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, ये होती है परिनलिका। परिनलिका का मतलब क्या होता है, आपने देखो जो पंखे बांधने वाले होते हैं, जैसे मोटर होती है, समरसिल होती है, तो आपने पंखे बांधने वाले जो होते हैं मैकेनिक, वो आपने जरूर देखे होंगे। तो वो वहां पर क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि तांबे के तार लेते हैं और उनके ऐसे घुमा घुमाकर वो आप एक कुंडली सी बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, परिनालिका। यानी कि अगर एक आयताकार अगर हमारे पास कोई भी चीज है उसके चारों ओर अगर हम बहुत सारे तार लपेट देते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है, एक परिनलिका बन जाती है या कुंडली बन जाती है। तो यहां पर देखिए, जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है वो ये कहता है कि अगर या आपके पास कोई कुंडली है ना, या परिनलिका है, अगर इसको मैंने विद्युत परिपथ की सहायता से जोड़ दिया है ना, और यहां पर मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, आपको ध्यान रखना है कि जो चुंबकीय वो आपके जो विद्युत धारा होती है उसको मापने का एक उपकरण होता है। अब आप कहेंगे सर विद्युत धारा जो होती है उसको तो एमीटर मापता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो एमीटर होता है ना वो उच्च मान की धारा को मापता है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है वो आपके लोअर यानी कि बहुत कम मात्रा, जैसे आपके माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर है ना, जो आपके कम मान की जो आपके जो विद्युत धारा होती है उसको मापने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए आपके माइकल फैराडे ने क्या किया था, एक आपके कुंडली ली या परिनालिका ली और उसको एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसके पास वे एक चुंबक लेके आए, ठीक है, एक चुंबक लेके आए, और ये चुंबक है SN, जिसके दो ध्रुव होते हैं साउथ और नॉर्थ, यानी कि आपका दक्षिण और उत्तर। तो इन्होंने क्या किया, जब एक परिनालिका के पास आप एक चुंबक लेके आते हो तो इन्होंने ये देखा कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर इस प्रकार से क्या हुआ, आपके जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण यहां पर जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, यानी कि जिसकी सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जा सकता है, उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। इससे यह पता लगता है कि यदि किसी कुंडली के पास हम चुंबकीय क्षेत्र ले जाएं तो उसमें क्या हो जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे ही हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि चुंबक की सहायता से विद्युत धारा प्रेरित करना या चुंबक की सहायता से विद्युत धारा उत्पन्न करना, इसे ही बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वापिस समझ देता हूं, यहां पर देखिए इन्होंने माइकल फैराडे ने क्या किया कि एक परिनालिका ली, एक कुंडली, और उसको कनेक्ट कर दिया आपके गैल्वेनोमीटर से जो आपका विद्युत धारा को मापता है, उसके पास क्या लेके गए, ये एक आपके एक चुंबक लेके गए, और इस चुंबक के कारण यहां पर जो परिनालिका है इसमें क्या हुआ, आपका विद्युत धारा उत्पन्न हुई और उस विद्युत धारा को गैल्वेनोमीटर से माप लिया। इसलिए इन्होंने क्या कहा, यदि हम किसी परिनालिका के पास, किसी कुंडली के पास अगर चुंबक लेके जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लेके जाते हैं, तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इसे ही बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय, वो आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब यहां पर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे माइकल फैराडे ने यह कहा कि जब आप यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लेके जाते हो तो यहां पर जो कुंडली है इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होती है, जिसे हमने कल पढ़ा था, जिसे बोलते हैं आपका चुंबकीय फलस्क, अगर आपको याद है तो। चुंबकीय फलस्क क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं उनकी संख्या को आपके
चुंब आपके कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, और इसका मात्रक भी आपको बताता वेबर होता है। तो उन्होंने ये कहा था कि जब चुंबकीय क्षेत्र एक परिनालिका के पास लाया जाता है तो इससे संबंध जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है उसमें चेंज होता है, और उसमें चेंज होने के कारण यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है जिसको हम गैल्वेनोमीटर की सहायता से मापते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके ट्रांस जो आपका जो जनरेटर होता है विद्युत जनित्र, उसके बारे में बात करते हैं। विद्युत जनित्र क्या काम करता है, विद्युत धारा को कैसे आपके जनरेट करता है, कितने प्रकार का होता है, उसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम विद्युत धारा जनित्र के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं धारा जनित्र के ऊपर, धारा जनित्र होता क्या है। तो दोस्तों आपने अक्सर शादी पार्टियों में देखा होगा कि जब लाइट चली जाती है तो वहां पर जनित्र का उपयोग किया जाता है ना। इसको हिंदी में कम लोग जानते हैं जनित्र, जनरेटर के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। तो जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। अब ये काम कैसे करता है, अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ध्यान रखना यह विद्युत तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर पूछ ले कि बनाया किसने था, तो सीधी सी बात है माइकल फैराडे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम होता है डायनेमो, ठीक है, ये भी इसी का नाम है, डायनेमो जनित्र या जनरेटर, तीनों चीजें एक ही है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी कि एसी, और दूसरा होता है दिष्ट धारा जनित्र यानी कि डीसी। अब ये एसी और डीसी क्या है, तो देखिए विद्युत धारा होती है ना वो दो प्रकार की होती है, एक होती है अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, और एक होती है दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। दोनों में डिफरेंट क्या होता है कि आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, इसकी जो दिशा होती है वो समय के साथ बदलती रहती है, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो समय के साथ बदलती रहती है, इसका मान और दिशा होती है वो समय के साथ बदलता रहता है, इसलिए ऐसी धारा को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और ऐसी धारा जिसकी दिशा आपकी चेंज नहीं होती है उसे बोलते हैं दिष्ट धारा। हमारे घरों में जो लाइट आती है, जो विद्युत परिपथ हम काम में लेते हैं, मोबाइल फोन का चार्जर लगाना, बल्ब जोड़ना, है ना, जो हमने घरों में जो लाइट आती है ना वो आपके प्रत्यावर्ती धारा ही आती है, अल्टरनेटिव करंट आती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि यहां पर विद्युत धारा जनित्र होता है, इसमें एक प्रश्न पूछता है कि यह कौन सी धारा को कौन सी धारा में कन्वर्ट करता है, वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके धारा जनित्र होता है, चाहे आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हो या दिष्ट धारा जनित्र हो, दोनों के दोनों जनित्र होते हैं, वो आपके जो यांत्रिक ऊर्जा होती है यानी कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी टू आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब दोस्तों ये आपके दो प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं पहले प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के ऊपर। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो धारा जनित्र होते हैं ना वे आपके तभी काम करते हैं जब आपके चुंबक उत्पन्न होता है, मतलब ये चुंबकीय प्रेरण होता है ना उसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी कि जब कोई कुंडली होती है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपके चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ये इसका सीधा सा सिद्धांत है। चलिए अब पहले हम बात करते हैं जो आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है यानी कि अल्टरनेटिव करंट जनरेटर है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें आपके चार भाग होते हैं, पहला होता है क्षेत्र चुंबक यानी कि फील्ड मैग्नेट। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये आपका एस और एन जो प्रदर्शित किए गए हैं वो आपके क्षेत्र चुंबक है, यानी कि एस और एन जो दोनों है आपके क्षेत्र चुंबक है, ये आपके शक्तिशाली चुंबक होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही अधिक शक्तिशाली चुंबक होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल इससे मैंने आपको प्रदर्शित कर रखा है, ये आपके क्या होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होते हैं। इसके बाद दूसरी जो चीज होती है आपके धारा जनित्र में वो आपका होता है आर्मेचर कुंडली या कोयल, इसको बोलते हैं। तो यहां पर आपको जो ए बी सी डी दिख रहा है वो आपकी कुंडली होती है या आर्मेचर होता है, और इसको आपके जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं इनके बीच में रखा जाता है। तीसरी जो चीज होती है वो आपके होते हैं सर्पीबल है यानी कि स्लिप रिंग। इसमें आपको एक चीज और बता दूं, जो आर्मेचर होता है ये कुंडली होती है वो आपके नरम लोहे की बनी हुई होती है, जो कुंडली आपको दिख रही है एबीसीडी ये आपके नरम लोहे की आपके बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो सर्पी वलय होते हैं स्लिप रिंग, ये यहां पर देखिए ये सर्पी वलय होते हैं S1 और S2, एक प्रकार से बेरिंग जो होते हैं ना, बेरिंग आप जानते हैं जो घूमती है, उसी प्रकार से सर्पी वलय होते हैं दो आपके S1 और S2, और ये S1 और S2 होते हैं जब आपकी जो आर्मेचर या कुंडली घूमती है उसके साथ साथ ये भी आपके सर्पी वलय होते हैं, वो आपके घूमते हैं राउंड करते हैं। और चौथी जो चीज होती है उसमें वो आपकी होती है कार्बन की ब्रुशेज, कार्बन या अन्य आपके धातु होती है उनके आपके दो ब्रुश होती है। अब ये ब्रुश का काम आती है,
ये जो ब्रूस होती है ना, इनकी सहायता से जो आपके आपके जो विद्युत धारा बनती है वो यहाँ से आप इसको एक परिपथ में ले जा सकते हो। यहाँ से B1 और B2 दो ब्रूस होती हैं और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है उससे कितने भाग होते हैं। ध्यान रखना है एक आपके क्षेत्र चुंबक होता है, एक आर्मेचर होती है, दो सर्पी वलय होते हैं और दो ब्रूस, यानी कि चार चीजें यहाँ पर होती हैं। चार चीजों से मिलकर बना हुआ होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक आपके बुक ले लेता हूं और उसकी सहायता से मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर इसको समझाने के लिए मैंने जो आर्मेचर है, ये कुंडली है, उसको मैंने ये मेरी कॉपी मान लिया है। मान लीजिए ABCD है वो आपकी ये है, ठीक है, ये बीच में जो कुंडली है ABCD वो ये है, ठीक है। अब देखिए कैसे घूमेंगे, अब देख लीजिए, खुद देख लीजिएगा। देखिए ये यहाँ पर कुंडली है, अब देखिए कुंडली है ना वो आपके दक्षिणावर्त है। दक्षिणावर्त का मतलब जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है ऐसे हम दक्षिण की ओर। देखिए तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर दो भागों में विद्युत धारा जो आपके जो दो भागे होते हैं उनमें आपकी जो कुंडली उसको घुमाया जाता है। देखिए पहला तो ये ऐसे है, तो पहला भाग तो ये आधा भाग और दूसरा है ऐसे, मतलब दो भागों में आपके घुमाया जाता है जो कुंडली को। पहला तो ऐसे जब ये आपके जो आपके चुंबकीय क्षेत्र होते हैं इनके लंबवत है, देखिए लंबवत है 90 डिग्री का एंगल है, और जब ये ऐसे हो जाता है जब ये आपके जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी कि चुंबक होते हैं उनके समांतर होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी कुंडली को घुमाते हैं तो ये दो स्थितियों में होती है। पहला ये इसके दो जब उसको एक चक्कर पूरा कराते हैं तो दो बार में होता है, मतलब हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं इसके दो अर्ध चक्र होते हैं। जब कुंडली को घुमाया जाता है ना तो दो भागों में घुमाया जाता है, उन्हें बोलते हैं अर्ध चक्र। तो पहले अर्ध चक्र में क्या होता है, जो कुंडली ऐसे है वो ऐसे हो जाएगी और दूसरे अर्धचक्र में ऐसे हो जाएगी, मतलब एक बार समांतर आती है चुंबकीय क्षेत्र के और एक बार लंबवत। तो इस स्थिति में होता क्या है, देखिए मैं आपको समझ देता हूं। देखिए तो यहां पर जो आपका जो कुंडली है उसको दो भागों में घुमाया जाता है, तो जब पहली बार इसको घुमाया जाता है ऐसे तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो ना वो आपका विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो आपके B1 से B2 की ओर होती है। अब यहां पर सीधी सी बात है कि यहां पर धारा उत्पन्न क्यों होती है, तो यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ना उसमें चेंज होता है। जब आप कुंडली को घुमाएंगे तो कुंडली के घूमने के कारण, क्योंकि यहां पर पहले से चुंबक है तो यहां पर इनका जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें चेंज होता है और उसकी वजह से पहली बार जब आपको घुमाते हो तो यहां पर पहले अर्धचक्र में जो इसकी धारा होती है वो B1 से B2 की ओर बहती है, है ना। पहली बार में पहले अर्धचक्र में जो आपके विद्युत धारा होती है वो B1 से B2 की ओर बहती है, लेकिन जो दूसरा अर्धचक्र होता है दोबारा इसको घुमाते हैं तो, है ना, दूसरा अर्धचक्र तो इसमें ये आपके B2 से B1 की ओर होती है। तो इस प्रकार से यहां पर पूरा एक चक्कर जब होता है, जब एक बार पूरी इस कुंडली घूम जाती है तो यहां पर देखिए पहले तो B1 से B2 फिर B2 से B1, यानी कि धारा की दिशा एक चक्कर में दो बार बदल जाती है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार के जनरेटर को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, यानी कि ऐसी धारा जिसकी दिशा बदलती है समय के साथ। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो दिशा है आपके बदल गई, एक चक्र में दो बार बदल गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो यहां पर कितने हर्ट्ज की आती है। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, देखिए हर्ट्ज का मतलब होता है कि कितने चक्कर एक सेकंड में लगा रही है कोई चीज। तो यहां पर हर्ट्ज अगर मान लीजिए एक आपके कोई वस्तु है, एक आपके प्रति एक प्रति सेकंड उसका मान आप 50 बार बदल रहा है तो बोलेंगे कि उसकी जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। भारत में जो लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आपके 50 हर्ट्ज की आती है। इसका मतलब ये है एक सेकंड में उसका जो उसकी जो दिशा है ना, एक सेकंड में उसकी दिशा 50 बार बदलती है। इसका मतलब है कि भारत में जो लाइट आती है ना उसमें जो जनरेटर लगता है उसकी कुंडली है एक सेकंड में 50 बार घूमती है। इसका मतलब है आपको समझ जाना है भारत में जो लाइट आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है और 220 वोल्टेज की आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। तो यहां पर जो पहला है अपना प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो आपको समझ आ गया होगा। फिर से बता दूं यहां पर क्या करते हैं, एक कुंडली होती है उसको दो चुंबकीय क्षेत्रों के बीच दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं उनके बीच रखा जाता है। दो सर्पी बल S1 S2 होते हैं, दो ब्रूस S1 S2 होते हैं और ये जो ब्रूस होते हैं एक परिपथ से जहां पर हमको इलेक्ट्रिसिटी लेके जानी है उससे इसको कनेक्ट कर देते हैं। करते क्या है, सबसे पहले जो आपकी कुंडली होती है इसको यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है, इसको घुमाया जाता है और जैसे इस कुंडली को घुमाया जाता है तो यहाँ पर दो अर्धचक्र इसके होते हैं। पहला अर्धचक्र उसमें क्या होती है, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आती है, दूसरे में समांतर, फिर लंबवत, फिर समांतर। तो एक जो चक्र होता है उसमें दो अर्धचक्र होते हैं,
पहले अर्धचक्र में यह कुंडली होती है उसमें धारा उत्पन्न होती है, वो B1 से B2 की ओर होती है, B1 से B2, और दूसरा अर्धचक्र होता है उसमें B2 से B1 की होती है। इस प्रकार एक पूरा चक्कर करने में जो आपकी धारा होती है उसकी दिशा दो बार कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार कहेंगे कि इस प्रकार का जो जनरेटर होता है इसमें जो धारा बनेगी वो कैसी बनेगी, आपके प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि ऐसी धारा जिसकी दिशा आपके समय के अनुसार बदलती है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है वो काम करता है। इसी प्रकार से जितनी बार घुमाएंगे उसी प्रकार से पहले अर्धचक्र में क्या होगी, B1 से B2, दूसरे अर्धचक्र में B2 से B1, और इस प्रकार से ये आपके घूमता रहता है और आपके विद्युत धारा है आपके बनती रहती है। तो ये आपका था पहला प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है आपके काम करता है। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं दिष्ट धारा जनित्र की। आप इसको नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम यहां पर जो दिष्ट धारा जनित्र है डायरेक्ट करंट और आपका जनरेटर है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी कार्य प्रणाली कैसे होती है, कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी एग्जाम के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और टेस्ट बहुत सारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट आते रहते हैं, तो इनके बारे में मैं आपको बार बार अपडेट देता रहता हूं। तो ऐसे ही टेस्ट यहां पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आने वाला है। टाइम और आपको डेट है स्क्रीन पर शो हो रही है। तो यहां पर अगर आपने किसी प्रकार से टेस्ट नहीं दिया है और आप वेट कर रहे हैं कोई फ्री टेस्ट का, क्योंकि आप कमेंट करते रहते हैं कि सर कोई ऐसा टेस्ट बताइए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहां पर अनअकैडमी आपके लिए टेस्ट लेके आया है। टाइम और स्क्रीन आपको स्क्रीन पर आपको टाइम एंड डेट शो कर रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देने में तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इनका लिंक दिया है, वहां आपको एक कोड मांगा जाएगा अनलॉक कोड, तो आप RKP10 इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये टेस्ट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। यहां पर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके कौन सा टॉपिक है आपका वीक है और ऑल ओवर इंडिया में आपकी जो रैंकिंग है वो भी देख सकते हो कि और जो स्टूडेंट दे रहे हैं टेस्ट उनमें आपकी रैंक क्या है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आप इस क्लास को खत्म होने के बाद आप इस टेस्ट को यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दिष्ट धारा जनित्र के ऊपर और इसमें क्या डिफरेंट होता है दोनों में। तो देखिए दिष्ट धारा जनित्र होता है ना आपका सेम आपका जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है ना वैसे के वैसे होता है। बस ये इसमें क्या होता है कि जो धारा बनती है ना वो आपके दिष्ट धारा बनती है, मतलब DC बनती है। इसकी जो बनावट है वो भी आपके लगभग सेम ही है, बस एक छोटा सा फर्क है। और वो छोटा सा फर्क ये है कि इसमें जो आपके कंप्यूटेटर है वहां पर सर्पी वेला होते थे, स्लिप रिंग होते थे, उसकी जगह यहां पर कंप्यूटेटर होते हैं। बाकी जो पूरी यहां पर जो आपके इसकी जो बनावट है वो आपके सेम होने वाली है। देखिए कैसे काम करता है, देखिए यहां पर क्या होता है सेम वही चीज यहां पर की गई है। देखिए यहां पर वही आपके दो क्या है चुंबकीय ध्रुव है, उनके बीच में एक कुंडली है ABCD उसको रखा गया है। और इसमें क्या है नीचे की तरफ यहां पर C1 और C2 दो कंप्यूटेटर है। और ये आपको एक चीज इस ज्योमेट्री से आपको स्पष्ट कर लेनी है कि भाई B1 और B2 ब्रूस है जो आपके फिक्स हैं, लेकिन जो C1 और C2 है ना इस कुंडली के साथ जुड़े हुए हैं। अगर एक कुंडली घूमेगी तो C1 और C2 साथ-साथ घूमेंगे। ऐसे देखिए मान लीजिए ऐसे हैं, मान लीजिए ये आपकी कुंडली है ना, और ये C1 है और ये C2 है। तो अगर ये कुंडली घूमेगी ना अगर ये कुंडली घूमेगी तो देखिए ऐसे कैसे ये घूमेंगे, ठीक है ये आपको जाना करना है। C1 और C2 इसके साथ ही जुड़े हुए हैं ऐसे, ये का A सिरा है ये इसका D सिरा है। तो अगर ये घूमेगी तो ये दोनों घूमेंगे साथ साथ, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो B1 और B2 हैं ये आपके फिक्स हैं, ये यों के यों रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और यहां पर देखिए जो यहां पर लोड प्रतिरोध हमने लगा रखा है, अब देखिए यहां पर कैसे इसकी कार्यप्रणाली होती है और इस जनित्र की सहायता से कैसे दिष्ट धारा बनती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए तो यहां पर चार भाग होते हैं सेम वही, एक फील्ड मैग्नेट होता है मतलब क्षेत्र चुंबक होता है, आर्मेचर कच्चे लोहे की कुंडली होती है, कंप्यूटेटर होते हैं दो, और ब्रूस यहां पर लगी होती हैं। अब देखिए यहां पर भी हम दो अर्धचक्र काम में लेंगे। अब देखिए पहले अर्धचक्र में मानते हैं कि यहां पर इसको देखिए पहले अर्धचक्र में माना कि यहां पर जो C1 सिरा है मतलब ये वाला जो सिरा है वो आपका पॉजिटिव है और जो आपका दूसरा C2 सिरा है वो आपका नेगेटिव है। देखिए प्रारंभिक स्थिति में इसको समझिएगा अच्छे से कि माना कि प्रारंभिक स्थिति में यहां पर जो C1 है देखिए ये ऐसे है ना, तो मानते हैं कि यहां पर प्रारंभिक स्थिति में आपका जो ये वाला मार्कर है ये आपका पॉजिटिव है और ये जो पेन है वो आपका नेगेटिव है। तो सीधी सी बात अगर ये ऐसे कैसे है तो B1 से ये टच हो रहा है ना, B1 से ये वाला C1 टच हो रहा है, तो सीधी सी बात है B1 भी क्या होगा पॉजिटिव होगा और आपका यहां पर B2 है वो आपका नेगेटिव होगा। लेकिन अगर यहां पर इसका अर्धचक्र होगा तो सीधी सी बात है यहां पर ऐसे आ जाएंगे, मतलब क्या है ये घूम जाएंगे, तो यहां पर जो C2 है वो यहां जाएगा और जो C1 है वो यहां आ जाएगा। तो देखिए इसकी अब जो हम कार्यप्रणाली इसको समझते हैं, देखिए
यहां पर माना कि पहले अर्धचक्र में जो C1 है आपका पॉजिटिव है और आपका C2 है वो आपका नेगेटिव है, तो उस स्थिति में क्या होगा, B1 ऑटोमेटिक पॉजिटिव भी होगा और आपका B2 नेगेटिव भी होगा। और हम जानते हैं विद्युत धारा होती है वो आपके पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है, इसलिए पहले अर्धचक्र में जो धारा की दिशा होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी, मतलब B1 से B2 की ओर बहेगी। ठीक है, कहां बहेगी, B1 से B2 की ओर बहेगी। लेकिन दूसरी स्थिति मैंने क्या कर दिया, जब ये कुंडली ऐसे घूम गई तो हमने क्या किया, C1 को नेगेटिव रख लिया और C2 को पॉजिटिव है, हमने चेंज कर दिया भाई, पहले C1 को पॉजिटिव रखा था, अब C1 को नेगेटिव रख दिया और C2 को पॉजिटिव रख दिया। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, लेकिन गड़बड़ ये हो गई, देखिए भाई पहले यहां पर ये ऐसे था है ना, ये मार्कर ऐसे था है ना, तो अब यहाँ पर देखिए ये मार्कर अगर पॉजिटिव है तो C1 ऑलरेडी पॉजिटिव था और B1 ही पॉजिटिव था, अगर हमने अब क्या कर दिया, इसको तो ऐसे कर दिया है ना और ऐसे कर दिया और साथ इसको घुमा भी दिया, अर्धचक्र कैसे होगा, तो घुमाएंगे तब और इनकी स्थिति चेंज कर दी, तो देखिए कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये मार्कर पहले भी पॉजिटिव B1 पे था और अब भी ये ऐसे ही है घुमाने पर। तो क्या होगा, अगर दूसरे चक्र में हम C1 को नेगेटिव पर रख देंगे और C2 को पॉजिटिव पर रख देंगे तब भी B1 ऑटोमेटिकली पॉजिटिव पर रहेगा और B2 ऑटोमेटिकली नेगेटिव पर रहेगा। इसका मतलब क्या है, पहले भी धारा देखिए धारा बहती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इसलिए यहाँ पर दूसरे चक्र में भी जो धारा है वो आपके पॉजिटिव से और नेगेटिव की ओर बहेगी, मतलब B1 से B2 की ओर बहेगी। और यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ धारक दिशा में, इसलिए बोलेंगे ये जो धारा है आपके दिष्ट धारा है। इस प्रकार से दिष्ट धारा जनित्र है वो काम करता है, इस प्रकार से दिष्ट धारा यहाँ पर उत्पन्न होती है। वापिस से समझाता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया देखिए वापस समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए वैसे समझ आ गया होगा कि ये कुंडली है, मान लीजिए मार्कर है ना ये पॉजिटिव है और ये जो पेन है वो आपका नेगेटिव है, तो पहले अर्धचक्र में ऐसे कैसे रहेंगे, तो B1 है देखिए मार्कर की सीध में, देखिए B1 है ये पॉजिटिव रहेगा और ये आपका नेगेटिव रहेगा B2 की सीध में। अगर दूसरे अर्धचक्र में क्या किया, पहले ही हमको इनके जो पॉजिटिव नेगेटिव है उनको चेंज करने हैं, तो ये देखिए मार्कर इधर आ गया है ना और ये पेन इधर आ गया, और साथ ही अगर अर्धचक्र चेंज होगा ना तो ये घूमेगी भी, भाई आधा चक्र कराएंगे उसे इसको, तो आधा चक्र कराया तो ऐसे हो गए। अब देखिए ये पेन है अब भी वो B1 के पास है मार्कर और B1 क्या था पॉजिटिव, और ये जो पेन है वो अब B2 के पास है और B2 पहले भी नेगेटिव था अब भी नेगेटिव है, B1 पहले पॉजिटिव था B1 अब भी आपके पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, धारा पॉजिटिव से नेगेटिव ओर बहती है, मतलब पहले B1 से B2 बह रही थी और अब भी B1 से B2 बह रही है, इसका मतलब धारा की दिशा में कोई चेंज नहीं होता है। और ऐसी दिशा वो ऐसी धारा जिसकी दिशा में कोई चेंज नहीं होता, इस प्रकार की धारा को बोलते हैं दिष्ट धारा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों लास्ट में हम यहां पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। तो देखिए आपके जो एम्पियर नामक वैज्ञानिक था उसने क्या किया, देखिए एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि उन्होंने ये सोचा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाता है तो वहां पर उस चालक के ऊपर जो चुंबक के द्वारा कुछ न कुछ बल आरोपित किया जाना चाहिए, ऐसा आपके जो एम्पियर नामक वैज्ञानिक था उसने सोचा। उसने क्या सोचा कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र है अगर उसमें कोई आपके चालक रखा जाता है, कोई कंडक्टर रखा जाता है, तो वहां पर उसके द्वारा उस चालक पर बल लगाया जाना चाहिए। ये आपके जो आपका जो एम्पियर नामक साइंटिस्ट था उसने सोचा, लिए ये आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है। लेकिन बाद में एक नियम दिया गया फ्लेमिंग का वामस नियम, इसकी सहायता से जो आरोपित बल है इसकी डायरेक्शन ज्ञात की जा सकती है, और यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई फ्लेमिंग का वामहस रूल क्या है। इसको इंग्लिश में मैंने लिख दिया है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, या इसको दूसरी भाषा में कहेंगे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी आपने दक्षिणावर्त पेच नियम पढ़ा था और दक्षिणहस्त का नियम भी पढ़ा था, ध्यान रखना वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाले नियम है, उनकी सहायता से हम जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उनकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो ये रूल है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है वो जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाले जो बल है उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। लेकिन वहां पर जो आपका जो दक्षिणावर्त पेच नियम था या दक्षिणहस्त का नियम था, राइट हैंडेड लॉ, वो आपका था वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाला नियम था। लेकिन ये जो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र में किसी वस्तु को रखने पर, किसी कंडक्टर को रखने पर जो आरोपित बल है
उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम बड़ा सिंपल सा है। उन्होंने ये कहा था कि अपना जो बायां हाथ है, अगर इसका जो अंगूठा है ये तर्जनी और ये मध्यमा, अगर तीनों को आप इस प्रकार से कर ले, देखिए ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, ये 90 डिग्री पर तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए ऐसे, ठीक है। ये आपका अंगूठा है ना, ये आपकी तर्जनी है, ये आपकी मध्यमा है, इस प्रकार से, मतलब ये एक दूसरे के 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा था, अगर आपको जो बायां हाथ है उसके अंगूठा है, तर्जनी और मध्यमा है, इसको इस प्रकार से फैलाएं कि ये एक तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो यहां पर जो अंगूठा है, अंगूठा वो आपके अंगूठा ना ऐसे कर लेते हैं 90 डिग्री पे, तो अंगूठा है वो आपके बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। जो आपके जो अंगुली है ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, और ये मध्यमा है वो आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि इस प्रकार से अगर आप हाथ अपना हाथ कर लोगे तो यहां पर जो अंगूठा है ना, ये अंगूठा मैं लिख देता हूं, अगर आपका अंगूठा है, जो थंब है अंगूठा है ना, जो आपका अंगूठा है, अंगूठा है ना, जो आपका थंब है वो आपके प्रदर्शित करेगा फोर्स की डायरेक्शन को, यानी कि बल की दिशा को, है ना। दूसरा आपकी जो तर्जनी है ना, तर्जनी अंगुली है ना, ये वाली अंगूठे के पास वाली, ये आपकी प्रदर्शित करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड की। और जो तीसरी बची आपकी मध्यमा, यानी कि ये वाली अंगुली, ये आपकी धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये आपका कहलाता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंडेड लॉ, ठीक है। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और कल हम जो अपना विद्युत वाला जो चैप्टर है ना, इसको खत्म कर देंगे। इसमें थोड़ा सा बचा है, विद्युत जो मोटर होती है वो आपका बचा हुआ है, आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो कैसे काम करता है, और कुछ छोटी मोटी चीजें आपके बची हैं, विद्युत वाहक बल है ना, ये बची हुई हैं, तो उनको हम कल की क्लास में करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमको अगली क्लास के लिए और मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।